सातवां दिन था, सभी के तिलक लगाए जा रहे थे, महात्मा धर्मांतर चले हैं परिचद को जिंदा करने और तक्षक नाग चल देता है परिचद को डसने के लिए। रास्ता में भेद रोकी है धर्मांतर से, तक्षक बोला है गुरु जी कहां जा रहे हो, बोले हम परिचद को जिंदा कर रहे। दो दो हाथ हो जाए मार्ग में, तक्षक ने वृक्ष में फुसकार मारी, वृक्ष जल के राख हो गया, धन्वंतर की नजर से वृक्ष हरा भरा हो गया, समझ गया तक्षक गुरु जी जाएंगे, संगी ऋषि का श्राप झूठा हो जाएगा। मार्ग में वो तक्षक देर नहीं करता है, वो तक्षक राग जो था Thank you.
मास को 14 सुखा दो। चेलाओं ने धर्मांतर के मास को काट के हड्डियों में रख दिया। वेश बदल के तट से फिर पहुंच गया। चेलाओं क्या हो रहा है? बोले गुरु का मास करना है। तक्षक बोला किस चेला ने गुरु का मांस खाया है? तो तुम्हें खा लो जिसने तुम्हें ज्ञान दिया है। तो हरिया तक्षक ने सभी समुद्र में फेंकवा दी है, सारी हरिया डूब गई है। एक महात्मा धर्मांतर के मांस की भरी हुई हरिया बहती हुई चलती है बंगाले के लिए। तो महात्मा धर्मांतर का जिसने मांस था, अरे बहती भाई इधर आ जाए। फूल बना हुआ नाग महाराज परीक्षित के हाथ में पहुंच जाता है। परीक्षित जी सब लोगों से हाथ जोड़ के थोड़ा राम राम कर लो, कथा पूर्ण होती है आपके यहीं पे। हाँ, और हमारे परीक्षित जी के घर वाले जो हमारे परीक्षित जी के घर के सदस्य हैं वो आ जाए इधर हमारे परीक्षित जी का अंतिम क्षण के लिए तिलक करने के लिए। आ जाओ भाई। हाँ 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 संस्कार है ये। ईदन फीदन पहुँचा दो तो हाँ। वीरपाल सिंह जी भी इधर आ जाए। परीक्षित जी के तिलक करें हमारे वीरपाल जी सबसे पहले। सब लोग तिलक करें।
जी के अंतिम जो कथा परीक्षित ने सुनी है, कथा पूर्ण रूप से विराम हो रही है। परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति का वक्त आया है। हाँ, खाली आखना न्योछार करता परीक्षित जी, कोई बात नहीं है। आप इच्छा अनुसार, मैं ये नहीं कहता हूँ, उसी थाली में रखते जाना इच्छा अनुसार। और भी कोई अगर आना चाहे परिचय जी का तिलक करने के लिए तो आ जाए, दो मिनट के लिए टाइम है। आप इधर मौका लो, आप भी संकल्प कर लो भाई, कथा प्रारंभ हो रही है आपकी, आप भी संकल्प कर लो। हाँ, और तुम्हें संकल्प हम कहा बताया, बताइए ना, कैसे बता दे कि ना बता, नहीं बताएंगे। मैं वैसे भी नहीं बताऊंगा, वो तो कह रहा था ना, मैं तो भाई इच्छा अनुसार श्रद्धा और गंगा की तरफ मुंह कर लेना बाद में पुस्तक लेकर के। ये पैसा गिर गया। ये संकल्प की दक्षिणा भाग में रखना, उसके बाद गंगा की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाना। ये हमारे परिचित जी की तरफ से उस संकल्प में 1100 मुद्राओं से भागवत का सम्मान किया है। गंगा की तरफ मुख करके खड़ी हो जाए, नाक से फूल लगा करके पीछे को फेंक देना। तो नाक तक फूल जाते जाते आए देखो काल महिमत को, बैठ जाओ इसी स्थान पे, यही पे बस सुंदर। और तक्षक द्वारा के हस्त भय भाते सम्राट परिषद को, अपने स्थान पर पहुंच जाओ। बोलिए ऊंचा जयकारा लगाओ, बोलिए परिचत महाराज की, दर्शक द्वारा के हर भया भागे सम्राट परिचत को। परिचत को तो सम्राट ने स्वर्ग में यानी जो नाक में कसा है, स्वर्ग से विमान आया है, परिचित को विमान में बैठाया गया है और भगवान के लोक में स्थान मिला है। परिचित को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। क्षमा करें, आपकी कथा यही पर विराम होती है।